मेरा गांव मेरा देश देखते रहिए आपका संदेश। ताजा खबरों के साथ हवा सिंह चहल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज जैसा कि किसान आंदोलन के बारे में अभी काफी शोर शराबा चल रहा है और हर जगह जहां भी जाओ आप, जिक्र किसान आंदोलन का ही चलेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। तो आज जो किसानों ने घोषणा की थी कि केएमपी पर प्रदर्शन करेंगे, तो आज वहां किसानों के ट्रैक्टरों का एक महाकुंभ देखने को मिला। मैं सुबह कुंडली बॉर्डर और इधर ये जो नेशनल हाईवे नंबर 9 है तो यहां पहुंच गया था, तो वहां मैंने देखा कि भारी मात्रा में ट्रैक्टरों के रैले इस तरह से वहां बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन वहां किया गया और पूरा हजूम ट्रैक्टरों का, यानी कि उम्मीद से भी ज़्यादा किसानों ने उसमें भाग लिया और इस मौके पर किसानों का जोश देखते बनता था। तो आइए मैं आपको आज की जो किसानों का प्रदर्शन था केएमपी पर उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, मैं लिए चलता हूं आपको केएमपी रोड नेशनल हाईवे नंबर 9। हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये हम है केएमपी पर और कुंडली मानेसर पलवल रोड का ये नज़ारा देखिए। अगर आपने ट्रैक्टर कुंभ नहीं देखा है तो आज देखिए। ये देखिए, ये ट्रैक्टर कुंभ ये रोड के ऊपर और हर साइड में ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर किसानों के नजर आ रहे हैं। ये देखिए, दूर तक जहां तक भी कैमरे की पहुंच है हर जगह ट्रैक्टर ट्रालियां, जिसमें औरतें और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। केएमपी पर ये नजारा दूर तक, इधर भी ये रोड अभी कुछ देर के लिए ये साय पॉइंट का यहाँ प्रोग्राम डाल चले। ये देखिए, ये गांव सिंह मदनहेड़ी के ट्रैक्टरों का काफिला बहुत बड़ा, गांव सिंह और मदनहेड़ी के ये बहुत ज्यादा ट्रैक्टर है, करीब 300 से भी ज्यादा की हाजिरी। ये देखिए, और ये देखिए, ये कुंडली मानेसर पलवल रोड पर ऊपर पुल के ऊपर दूर दूर तक ये इतने बड़े बड़े काफिले। और ये गांव मदनहेड़ी का किसान, ये देखिए, पूरे लाव लश्कर के साथ है और करीब 300 ट्रैक्टरों के काफिले में। ये ट्रैक्टरों का काफिला, और ये देखिए कुंडली मानेसर पलवल रोड के बिल्कुल पीछे का नजारा, पूरे जोश के साथ किसान आते हुए। और ये पुल के ऊपर मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम यहाँ केएमपी पर हैं और मेरे साथ हैं कुछ युवा किसान, तो आइए इनसे मुखातिब होकर पूछते हैं कि वो यहाँ कब से आए हैं और कितने दिन से आंदोलन में सक्रिय है। हाँ तो जी, आपका नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार है। वैसे तो मेरे हूँ वाला पंगाल घटे भूआ खास से आए हुए गाँव, वैसे नाम सुनील है, काला पंगाल घटे गाँव में सिंह खास से आया हूँ। ये
मैं इस पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी चैनल के जितने भी साथी हैं सभी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। तो आप यहाँ कितने दिन से सक्रिय हैं इस आंदोलन में? हम जी यहाँ 43 दिन से लगातार सक्रिय हैं। यहाँ पे सभी राज्यों से लगभग सभी साथी आए हुए हैं और बहुत तगड़ा प्रदर्शन है। आज ये जो प्रदर्शन है किसान संघर्ष समिति का जो प्रदर्शन है, यहाँ पे कम से कम 1,40,00,000 लोग आए हुए हैं। पहले तो मैं इन लोगों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जी मैं शिव आकाश की तरफ से 140 ट्रैक्टर युवा मतरेडी की तरफ से ट्रैक्टर आए हुए हैं। 140 ट्रैक्टर आए हुए हैं। पहले तो मैं सिंह और मतरेडी की गांव की तरफ से तहे दिल से गांव वासियों का स्वागत करता हूं। तो इन्होंने बताया कि यहां 140 ट्रैक्टर सिंह और मतरेडी गांव से आए हुए। तो यहां अगर सरकार अब भी नहीं चलती तो आगे रणनीति क्या हो सकती है युवा के नाम जी? अगर गांव युवा संघर्ष समिति का मतलब है कि मतलब गांव के बुजुर्ग युवा नौजवान जो सब साथ में चल रहे हैं, मेन बात ये है कि मतलब युवा तो अगर बुजुर्ग के साथ मतलब क्या तो मतलब सर एक मिनट का मतलब ये बहुत अच्छा जवाब एक मतलब मोदी तेरी खैर नहीं है छोटा नहीं है तने तने ये बात माननी पड़ेगी। तुम लोग गरीब हो चा बेची है ये बात तेरा तो रखो नहीं जानती तने जड मार ये आदमी जड़ाए मन लाग रहे हैं 43 दिन हो गए। अगर ये बात सोच कर दो तू मान जा रही है मांगे तू गरीब का साथी नहीं मेरे का साथी है। इन्होंने बताया कि भाई कई दिन से ये सक्रिय है और इनका बस्ती होता है क्योंकि बारिश वगैरह में ठंड में ये कई दिनों से यहाँ है। तो आइए अभी मैं बात करूंगा एक और किसान नेता से। हाँ जी सर, ऐसे हमको खालिस्तानी खाया गया, पाकिस्तानी खाया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग खाया गया, आतंकवादी खाया गया। सर ऐसा नहीं, आज आपने देखा अच्छे तरीके से देखा है, जन मन मानस को ये समझ में आ चुका है ये कृषि देश अगर हमारे इतिहास में नहीं है। हमने जब इसको नकार दिया है तो मोदी सरकार इसको क्यों नहीं नकार? सर इसको बिल्कुल अध्यादेश के हिसाब से कैंसिल कर देना चाहिए। ये देखिए केएमपी का नजारा, ये सुबह से ट्रैक्टरों का जमावड़ा और पूरी स्पीड में ट्रैक्टर आते हुए और जाते हुए, ये मैं कहूँगा ट्रैक्टरों का एक महाकुंभ देखने को नजर आ रहा है। ये देखिए केएमपी पर दूर दूर तक जहाँ तक कैमरा पहुँच रहा है भारी मात्रा में ट्रैक्टरों के जमावड़े और दो दो तीन तीन लाइन के अंदर ये ट्रैक्टर जाते हुए। और ये देखिए ये पूरी तरह जाम की स्थिति, ये पूरी तरह, हालांकि यहाँ ट्रक भी काफ़ी मात्रा में है जो अड़े खड़े हैं। हालांकि इनको पहले से ही पता था, प्रशासन को भी पता था कि ट्रैक्टर रैली बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है, उसके बावजूद भी ये ट्रैक्टर काफिले के अंदर ये वाहन बाधक बने हुए हैं जो पूरी तरह से जाम को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए ये जमाव इन ट्रकों ने ये जाम लगा दिया है। ये देखिए ये कितना शानदार नज़ारा और बहुत बड़ा यह महाकुंभ, एक उत्सव जैसा यह माहौल। और ये देखिए किसानों का जोश, पूरी तरह किसान लामबंद और आते हुए भी और जाते हुए भी, ये देखिए
ये देखिए ये कितना जबरदस्त खूबसूरत नजारा, कुंडली मानेसर पलवल रोड और ये नेशनल हाईवे नंबर 2 पर ये देखिए। ये देखिए दूर दूर तक किसानों के ट्रैक्टर भारी मात्रा में जमावड़ा। ये गुरु का लंगर और ये देखिए ये गुरु का लंगर लेते हुए किसान, गुरु का लंगर और कपूरथला ये देखिए, इधर ये खाना बन रहा है, इधर ये किसान इंतजार करते और ये सेवा करते हुए देखिए दूर दूर तक, ये देखिए ये सब खाना खाते हुए और ये लंगर का खाना खा रहे हैं, ये देखिए दूर तक किसानों का जमावड़ा। नजारा ये कुंडली मानेसर पलवल का ये नजारा और ये देखिए भारी तादाद में ट्रैक्टर आते हुए, ये कई खापों के बैनर लगे हुए हैं, कई गांव का कई किसान यूनियन के, ये देखिए आज पूरी तरह से केएमपी पर यहाँ जबरदस्त जमावड़ा और ये देखिए ये बहादुरगढ़ की तरफ रास्ता गया और इस पर भी काफी संख्या में ट्रैक्टर ट्राली और किसान यूनियन के बैनर लगाए हुए हैं सभी गाड़ियां, ये देखिए ये सारे इसमें नंदगढ़ बारा दुलाना जींद, ये सारे ट्रैक्टर नंदगढ़ बारा के हैं दुलाना जींद, ये देखिए और ये देखिए केएमपी का नजारा, नेशनल हाईवे नंबर 9 महाराजा अग्रसेन मार्ग है ये फोर लेन और ये ऊपर केएमपी कुंडली मानेसर पलवल रोड और जिस पर आज सुबह से ही भारी मात्रा में ट्रैक्टरों का जमावड़ा और दो दो तीन तीन लाइन के अंदर ये बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों का काफिला गुजरता हुआ, ये देखिए कितना जबरदस्त ये नजारा और ये किसानों का जोश, वाह देखने लायक भारी भीड़। ये सामने कुंडली मानेसर पलवल रोड, हम इस केएमपी के पुल पर विराजमान और ये बड़े ट्रकों की लाइनें, हालांकि इनको पता था कि आज ट्रैक्टर रैली निकलनी है उसके बावजूद भी ये फिर से सड़कों पर हैं,
ये देखिए वही दर्शे और भी भारी मात्रा में ट्रैक्टर आ रहे हैं। ये जैसे धरती साथ साथ चल रही है, ये जन सैलाब जबरदस्त और ये पूरा सरकारी अमला भी बीच बीच में, पुलिस की गाड़ियां, कहीं एम्बुलेंस और कहीं पर ट्रेन वगैरह भी साथ। और ये देखिए गाड़ियों का अपने कितना जबरदस्त नजारा, ये ट्रैक्टरों का महाकुंभ, किसानों का भारी उत्सव। ये देखिए अभी इधर से और भी आ रहे हैं और ये केएमपी पर ऊपर चढ़ रहे हैं और कुछ वापस आ रहे हैं। ये दोनों साइड में किसानों की पंक्तियां लगी हुई, इधर गाड़ियों के काफिले, साथ में ट्रैक्टर ट्रालियां, कई खाली ट्रैक्टर हैं, कईयों में ट्रालियां हैं, कईयों में रसद सामग्री खाने पीने का सामान ले आ जा रहा है। और ये देखिए केएमपी पर लगातार ये भारी मात्रा में ट्रैक्टर चलते हुए, ये देखिए देखिए जबरदस्त नजारा, किसानों का महाकुंभ और ये ट्रैक्टरों के बड़े बड़े काफिले। वो सामने कुंडली मानेसर पलवल रोड और उस पर सुबह से ही ट्रैक्टरों का जमघट और पूरी स्पीड में ट्रैक्टर आते हुए, कुछ वापिस जाते हुए। ये देखिए ये पुल के नीचे वाहनों के काफिले, ये पूरी तरह जाम की स्थिति में। ये देखिए आ रहे हैं जा रहे हैं, लगता है पूरा हरियाणा पंजाब ही नहीं, पूरे देश के किसानों के ट्रैक्टर आज दिल्ली के चारों तरफ मौजूद। और सिर्फ केएमपी नहीं, दिल्ली के चारों तरफ का यही नज़ारा। कुछ मेरे पास और फोटो आए हैं, वो भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ भी भारी भीड़, यूपी बॉर्डर, राजस्थान बॉर्डर और ये हरियाणा का भी मेन बॉर्डर है। ये देखिए यहाँ के नज़ारे। तो ये था दोस्तों आज का जो किसानों का प्रदर्शन था, वो आपने देखा भारी मात्रा में किसान वहाँ, कई खुश नजर आए, कई गुस्से में नजर आए, कुछ मायूस नजर आए, तो हर किस्म का वहाँ, क्योंकि भीड़ में तो हर किस्म के लोग मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर का हौसला बहुत ही उत्साहजनक था। और वो कह रहे थे भाई कितना ही टाइम लग जाओ, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने आपका संदेश चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, आपका संदेश आप तक पहुँचाएँ और साथियों को भी ये संदेश पहुँचे, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जो ही कोई नई खास खबर मेरे पास आएगी मैं आप तक तुरंत पहुँचने की कोशिश करूँगा। तो बाकी अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मैं आपको बॉर्डर से कुछ नई बातें और खोज के लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा देश वैसा भेष, देखते रहिए आपका संदेश। आवाज़ सिंह चहल।